सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, प्रेस का धन्यवाद देता हूँ और प्रशासन से जुड़े हुए पुलिस वर्ग का धन्यवाद देता हूँ, मैं राज्य से जुड़े हुए आदरणीय शिंदे साहब का धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, 1 अक्टूबर की सुबह एक ऐसी घटना घट गई जिससे गोविंदा के फैंस को हैरान कर दिया। दरअसल सुपरस्टार गोविंदा के पैर में एक गोली लगने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान उनकी फैमिली और खास दोस्त भी उनसे मिलने पहुंचे, जबकि उसी समय अस्पताल के बाहर फैंस का भी लाइन लगा हुआ था। इसके बाद गोविंदा के पैर में ट्रीटमेंट चला और आज 4 अक्टूबर को गोविंदा को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। यह घटना कैसे हुई ये सवाल किया गया तो मुस्कुराते हुए एक्टर बोले, बंदूक गिरी और चल पड़ी। इतना ही नहीं, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गोविंदा ने फिर बाहर आकर मीडिया से बात की। व्हीलचेयर पर बैठे अभिनेता ने पहले सभी फैंस को शुक्रिया अदा किया। गोविंदा ने कहा, मैं देश के सभी लोगों को उनके प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं प्रशासन, पुलिस और माननीय शिंदे जी को खास तौर पर शुक्रिया कहना चाहता हूं। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे सुरक्षित रखा है। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। इसके अलावा गोविंदा से पूछा गया कि आखिर उस दिन आखिर हुआ क्या उस घटना स्थल पर, तो गोविंदा ने कहा, यह एक गहरी चोट थी और जब यह लगी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं कोलकाता में एक शो करने के लिए जा रहा था और सुबह करीब 5 बजे वो मेरी पिस्तौल गिरी और चल पड़ी। मैं दंग रह गया और फिर मैंने खून का फुवारा निकलता हुआ देखा। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। कथित तौर पर गोविंदा अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, सफाई के दौरान ही मिस फायर हुआ और गोविंदा को गोली लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी बंदूक के लॉक का एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ था, जिसकी वजह से गलती से गोली चल गई। इसके अलावा कोलकाता जाने की हड़बड़ी भी थी। घटना के समय बंदूक में 6 गोलियां लोडेड थी। दोस्तों, भगवान का शुक्र है कि गोली पैर पर लगी है, कहीं और नहीं तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मैटर पर, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।